आप सभी को विशाखा मित्तल का नमस्कार। आइए आपको ले चलते हैं अपनी माटी चूल्हा रसोई में। देसी अपनाओ, देसी खाओ। आज हम बना रहे हैं चने का साग। इसको पकने में लगभग 1 या 2 घंटे लग जाएगा, इसलिए अभी इसको हम इसमें डाल के और पकने के लिए छोड़ देते हैं। हंडिया में थोड़ा सा पानी डालेंगे। हरी मिर्ची स्वादानुसार, अदरक, और नमक, ये भी आप स्वादानुसार डालेंगे। साबुत लाल मिर्ची, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, कट कर। चलिए अब देखते हैं हमारा साग बनके कितना तैयार हुआ है। अब ये पक चुका है और अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से चावल। और अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको खूब अच्छे से घोट देंगे अच्छे से। और ये लगभग थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। तैयार होने के बाद इसमें लगाएंगे छौंक तड़का और उसके बाद ये बिल्कुल साग बनके तैयार हो जाएगा। और इसकी सोंधी सोंधी खुशबू चारों तरफ महकने लगी है। चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए पका देते हैं। इसमें तड़का भी लग चुका है और ये बिल्कुल देसी तरीके से हमारा साग बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे परोसने की तैयारी करते हैं। साग बनके तैयार हो चुका है और अब हम बनाते हैं उसके साथ मक्का की रोटी और फिर हम इसको परोसने की तैयारी करें। चलिए अब हमारा साग बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। देखिए ये है साग, साग के साथ मक्का की रोटी और ये मट्ठा, गुड़, चुकंदर का अचार, मूली गाजर का अचार, ये सिरके वाली मूली और ये साथ में जल। तो देसी खाइए, देसी अपनाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।